गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक जिया दाई। अभी हम लोग कहाँ पे आए हैं बताएं? कोबादोंगा पे हैं अभी हम लोग। अच्छा, कोबादोंगा ये स्पेन में ही है ना? स्पेन में है, ओविएदो में, आस्तूरिया प्रोविंस में है। ओके, जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं कोबादोंगो, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। चलते हैं उस व्यू पॉइंट पे, आपको दिखाते हैं। हम लोग कितना टाइम लगा था? एक घंटा लगा ना वहाँ से? हाँ, ओविएदो से एक घंटा। ओविएदो से यहाँ पे आने के लिए एक घंटे की ड्राइव थी। सुबह ही आना था क्योंकि नीचे एक स्पॉट है, वहाँ से आप 8 बजे के बाद ऊपर नहीं आ सकते। तो खुद की गाड़ी में? हाँ, खुद की गाड़ी नहीं आ सकती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपको बस में आना पड़ेगा, गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ेगी। अभी आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही वाव मोमेंट वाली जगह है। बस अभी हम लोग दो तीन जगह जाएंगे आज के दिन, वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो ये देखें मेरे सामने, आपको ये कैमरा टर्न अराउंड करता हूँ, ये देखें। लगभग कितनी हाइट होगी भाई सी लेवल से? ये तो मेरे ख्याल से 25 है। वाह, देख सकते हैं भाई। और स्नो वगैरह भी है, देखें स्नो, लग रहा है स्नो भी हुई थी। और नीचे अभी दाई हम लोग नीचे जाएंगे ना लेक, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। अब नीचे की ओर जाएंगे, फिर वहाँ से भी आपको दिखलाएंगे, तो बने रहे मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं नीचे ये लेक दिखाई दे रहा है और काफ़ी स्नो वगैरह है, अब सब आइस ही आइस दिखाई दे रहा है। ये देखें भाई, बहुत ही प्यारा सा लेक। वाओ, जी हाँ दोस्तों, इस पिक पे आके बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा वेदर और चारों ओर स्नो से ढका हुआ। हम जा रहे हैं और आगे एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे जाके ब्रेक लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ से नीचे एक खूबसूरत सा लेके। देखते हैं अभी स्नो में नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं। फिलहाल अभी मैं स्नो पे स्ट्रगल करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे साथी लोग आगे जा चुके हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्नो में, थोड़ा उनका पैर फंस रहा है। देखते हैं, स्नो का जूता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। मज़ा तो आ रहा है दोस्तों। जी हाँ देखो दोस्तों, यहाँ दोस्तों पीक पे पहुँच चुका हूँ। वो सामने देख सकते हैं वो लेक है, मगर पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है। अभी डाउन नीचे की ओर जाएंगे और जमे हुए लेक को आपको नीचे से जाके दिखाएंगे। वो देखें, काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए हैं हाइकिंग करते हुए। अब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे और उस लेक की ओर बढ़ते हुए, काफ़ी जमा हुआ है भाई। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये गोरे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। भाईजान कैसा लग रहा है? जबरदस्त, बहुत ही अच्छी जगह आप लेकर आए। अब नीचे आए सामने भाईजान, वो लेक है ना, साफ जमा हुआ है। आगे नीचे और जाने के लिए तो थका ही नहीं होगा। ये देखें भाई, यहाँ से नीचे जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो पूरा इस साइड में पहाड़ देख सकते हैं, पूरा राउंड सर्कल मार के हम लोग वहाँ देखेंगे इस फोटो को। ये आपका समर में है, ये देखिए समर का व्यू है भाई, फोन में दिखला रहे हैं। देखिए समर में पूरा ग्रीन होता है, वो है इंटर का, इंटर का व्यू देखने भाई। देखिए पूरा लेक जमा हुआ है, इस खूबसूरत से लेक को देखने के लिए आए थे, मगर दूसरा ही मंजर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, लेक के पास पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं
ये लेक पूरा जम चुका है बर्फों से ढका हुआ। समर में इसका एक दूसरा ही नज़ारा देखने को मिलता है, मगर अभी आप स्नो का मज़ा लें। और ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल राइट। और हमारे कुछ साथी लोग काफ़ी पीछे रह गए उनका इंतज़ार करते हुए। और ये देखें मेरे भाई मून वॉक करते हुए, ये टेक्निक मुझे भी दिखा रहे थे कि थोड़ा सा उड़ते हुए चलो, मगर काम नहीं आया, पैर मेरा फंस गया था। और फिर भी हाँ दोस्तों, क्या नाम था इस लेक का? एर्निका। यार ये देखिए भाई, एर्निका लेक है ये, ये ऑस्ट्रेलिया प्रोविजन में पड़ता है भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चार बड़े लेक हैं, अब उसमें से एक ये लेक है। अब हम लोग उस वो जो पार्किंग लॉट दिखाई दे रहा है उस तरफ जाएंगे, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। फिर ऊपर वो देखें, कुछ लोग ऊपर भी गए हैं, वहाँ पे जाएंगे क्योंकि उधर का रास्ता एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं भाई, अब लेक में क्या जाएँ, वहाँ पे कुछ देखें बर्फ़ जमी हुई है। अब इधर से शॉर्टकट मार के ऊपर की ओर जाएंगे। आ जा भाई जल्दी से, कहाँ से रुक गए? वो तो किसी का पैर जम रहा है किसी का। एक भाई देखो स्ट्रगल करते हुए आ रहे, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, ये देखो चाल देखो, आ रहे भाई। आओ आओ, हम इंतजार करेंगे, आओ। जी हाँ दोस्तों, लोग पीना के पास में ये देखेंगे, पूरा ही जमा हुआ है, पूरा आइस ही आइस है। आप देख सकते हैं भाई। आगे चलते हैं, कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। और सामने कैंटीन नज़र आ रहा है, वहाँ से कॉफ़ी पी के हम लोग उस तरफ दाहिनी ओर माइंस माइंस की ओर जाएंगे ना भाई? इधर हाँ, बहुत पुरानी कोल माइन है यहाँ पे, उस तरफ जाएंगे और वहाँ से आपको दिखवाते हैं उस तरफ का एक डिफरेंट व्यू। अभी चलते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फिर मारते हैं, फिर आगे उस तरफ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक दूसरा लेक दिखाई दे रहा है यहाँ से। पानी यहाँ पे थोड़ा जमा नहीं है, आप देख सकते हैं। चलते हैं उस लेक के पास में, वो भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, देख लो भाई कितना प्यारा सा लेक, तो पानी नहीं जमा है भाई, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सा लेक पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। दाई देखें, पानी नहीं जमा यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा लेक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें सामने, उधर से गाड़ी वगैरह भी आ रही है, हम लोग थोड़ी देर पहले उधर से ही आए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ भी लागोइनो के लेक के पास का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। इसमें इस पहाड़ का रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लेक में बर्फ़ से ढका हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी जगह, यहाँ से निकलते हैं, आगे और बढ़ते हैं, बने रहें मेरे साथ।